Hello everyone, I hope you all are good. So in this video I'm going to start with a new story and its name is March. So I'm reading this story from the book of Mulberry, class 8th. So a very important thing, this is the part 1 of this video. To understand this chapter completely, you have to watch two parts. So this is the part 1. Link of part 2 is mentioned in the description box. Watch that one also to understand this story completely. So now I am starting this. So I am starting it from here. Let's read the description of the month of March by a keen observer of nature. तो जैसे कि ये story March month के बारे में है, March के month को describe किया गया है और ये किसने describe करा है, एक observer है, मतलब उसने अपने चारों तरफ देखा nature को कि nature में कैसे changes आए March के month में, तो वो सारी चीज़ों को वो समझाना चाह रहा है कि कैसे सारी चीज़ें चेंज होती है मार्च के मंथ में, क्या नई चीज़ें होती है, क्या पुरानी चीज़ें जाती हैं, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो मार्च इज़ एन अनप्रडिक्टेबल मंथ। अब उसने क्या कहा है ऑब्जर्वर ने कि जो मार्च है वो एक अनप्रडिक्टेबल मंथ है, कि मतलब आप पहले से ही बता नहीं सकते हो कि इस मंथ में कैसा नेचर, मतलब किस तरीके का वेदर होगा, और वन डे कैन बी एज कोल्ड एज एनी इन विंटर। तो एक दिन तो इतना ठंडा होगा जैसे कि बिल्कुल बहुत ठंड हो रही है, द नेक्स्ट एज वार्म एज एनी इन स्प्रिंग, और अगला दिन ऐसे गर्म हो जाएगा, बिल्कुल हॉट हो जाएगा जैसे स्प्रिंग सीजन आया हुआ है, इट मे बी एज ड्राई एज अ डेजर्ट, और कभी कभी तो इतना सूखा हो जाएगा, इतना ड्राइंग हो जाएगा कि जैसे डेजर्ट, जैसे हम रेगिस्तान में हैं, ठीक है, मतलब सुबह के टाइम ऐसा सूखा हो जाएगा जैसे कि हम रेगिस्तान में हैं, एंड बाय सन डाउन एज वेट एज अ मॉनसून, और जैसे जैसे सूरज डूबेगा इतना वेट का मतलब है ऐसा हो जाएगा मौसम जैसे कि मॉनसून में, जैसे कि बारिश के महीनों में होता है ना, बिल्कुल रेनी सा सीज़न हो जाएगा नाइट टाइम तक। तो वो ये समझाना चाह रहा है कि मार्च का महीना बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, आप पहले से नहीं बता सकते कि इस मौसम में, इस मंथ में ऐसा मौसम होगा, इस मंथ में, मार्च के मंथ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। फ्रेश फॉल्स ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर और हिमाचल ब्रिंग चिली विंड्स टू द कैपिटल। तो अब ये क्यों चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस होते हैं फ्रेश फॉल्स ऑफ स्नो। अब स्नो जो होती है ना, जो बर्फ़ गिरती है कश्मीर में हिमाचल की साइड, तो वो क्या करती है, वो ठंडी हवा लेकर आती है टू द कैपिटल, कैपिटल का मतलब है दिल्ली में, ये दिल्ली का एरिया बता रहे हैं कि दिल्ली में मार्च का मंथ कैसा होता है। तो जो भी लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको डेफिनेटली ये वाली बात पता होगी कि कितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, मतलब कभी कभी मार्च का मंथ इतना वार्म होता है, इतना गर्मी होती है उसमें, कभी इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि मतलब बहुत ठंडी लगती है, हम अपने सर्दी के कपड़े ही नहीं अंदर रख पाते, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, आप बता नहीं सकते कि एवरी ईयर मार्च का मंथ कैसा होगा। तो अब ये जो ठंडी हवाएं हैं ये किसकी वजह से आती हैं, क्योंकि कश्मीर और हिमाचल के अंदर जो फ्रेश जो स्नो गिरी है, जो बर्फ़ गिरी है, उसकी वजह से ठंडी हवाएं कैपिटल की साइड आती हैं, दिल्ली की साइड आती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश क्लाउड्स अप टू फ्रीजिंग हाइट्स। अब कैसे, अब ये स्नो कैसे होती है, ये जो बर्फ़ है ये कैसे होती है, तो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, बहुत तेज़ चलने वाली जो हवाएं हैं, वो जो क्लाउड्स होते हैं ना उनको ऊपर की हाइट की तरफ पहुंचाती है, मतलब जो इतनी तेज़ जो हवा है वो बादलों को बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचाएगी। कन्वर्ट रेन ड्रॉप्स इनटू आइस। अब आपको पता है अगर जब आप हाइट की तरफ जाओगे, हाइट की तरफ क्या है, कश्मीर है, सारा हिली एरिया है, ठीक है, तो उस तरफ बिल्कुल हाइट की तरफ जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, ठंड की वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। टॉस आइसलेट्स अप ओवर एंड ओवर अगेन टिल दे आर टू हैवी टू बियर। अब
आइसलेट्स का मतलब क्या होता है, जो बर्फ होती है ना, बर्फ के छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे तिनके, उसको आइसलेट्स कहते हैं। तो उसको बार बार टॉस, उसको बार 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 मूव करेगी, घुमाएगी और बार बार करेगी जिससे वो हैवी हो जाए, ठीक है। टू बियर मतलब वो हैवी हो जाए, कि उसके अंदर जो पानी है वो बहुत हैवी हो जाए। एंड लेट देम डिसेंड ऑन द अर्थ एज हेल, और जब बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाते हैं जो क्लाउड्स है, ये बहुत ज़्यादा जब हैवी हो जाएंगे, तो जब वो ठंडी जगह पे, जैसे हिमाचल कश्मीर वाली जगहों पे, जब वो उसका पानी जब गिरेगा, तो ठंडे टेम्परेचर की वजह से, ठंड की वजह से वो पानी किस रूप में गिरेगा, हेल के रूप में गिरेगा। हेल का मतलब होता है बर्फ के रूप में, है ना, स्नो फॉल, स्नो सॉरी ओले जो होते हैं उसको, तो ओले बनकर वो नीचे गिरेगा। टेक अ क्लोज लुक एज अ हेल स्टोन एंड यू विल नोटिस दैट इट इज ऑफ अ मिल्की वाइट कलर। तो जब भी आप ना हेल स्टोन को देखोगे, हेल स्टोन किसे कहते हैं, ओले को, है ना। दिल्ली में भी कभी कभार ओले गिरते हैं, तो हम उस बर्फ को अपने हाथ में लेकर देखते हैं, तो कभी आप उसको ध्यान से देखना और आप उसमें क्या देखोगे, इट इज़ ऑफ अ मिल्की वाइट कलर। कैसे कलर का होगा वो, बिल्कुल मिल्की वाइट कलर का होगा, बिल्कुल वाइट होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ आइस लाइक स्किन्स ऑन एन अनियन, और उसके ऊपर ना लेयर होंगी, मतलब उसके ऊपर परतें होंगी बर्फ की, और ऐसे परतें होंगी जैसे प्याज के ऊपर होती है, जो प्याज हम खाते हैं, जो अनियन खाते हैं ना, अनियन को आप छिलते जाओ छिलते जाओ, उसके ऊपर लेयर्स होती है, उसके ऊपर परतें होती है, ऐसे ही वो भी उसको चेंज कर देता है। मतलब जो वो हेल स्टोन है, वो जो बर्फ है, वो भी बिल्कुल उस अनियन की तरह लगती है, प्याज की तरह, ठीक है, उसके परतों की तरह। I used to wonder why hailstorms did not occur in winter months. तो फिर वो जो ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि मैं ये सोचा करता था कि जो हेल स्टॉर्म्स है, मतलब ये जो ओले बरस रहे हैं, ये विंटर के टाइम में क्यों नहीं होते, सर्दियों के समय पे क्यों नहीं होते, when it is cold, जब ठंड होती है, because ठंड में तो बर्फ़ और गिरनी चाहिए, है ना। बट इन स्प्रिंग और अर्ली समर्स वेन इट इज़ वॉर्म, लेकिन ये तो कब होती है, ये जो बर्फ़बारी ये जो होती है कब होती है, मतलब ओले वाली जो बारिश होती है कब होती है, ये स्प्रिंग टाइम में होती है या फिर शुरुआती गर्मियों में होती है, अर्ली समर्स में होती है ना, जैसे कि मार्च के मंथ में। नाउ आई नो इट टेक्स स्ट्रॉन्ग विंड्स टू मेक हेल, तो वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये जो हेल है, जो ये जो ओले जो गिरते हैं, ये होने की वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो ये हवाएं होती है, जो इतनी तेज़ हवाएं होती हैं, इन हवाओं की मदद से ओले गिरते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इस मौसम में होता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। I have often put away my woolens by the middle of the month and taken out my summer clothes. तो कहता है कि कभी कभी, मतलब वो कहता है कि अक्सर मैं अपने जो वुलन्स हैं, मेरे जो वुलन्स हैं, उसको तो मैं रख देता हूँ वापस, बाय द मिडल ऑफ द मंथ, मंथ के बीच में, एंड टेकन आउट माय समर क्लोथ्स, और अपने समर के कपड़े, मतलब अपने गर्मियों के कपड़े बाहर निकालता हूँ, ओनली टू पुट बैक द कॉटन्स एंड वंस अगेन, और बस कॉटन के कपड़े रखता हूँ मैं, मतलब जो गर्मी है, गर्मियों में हम ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, राइट तो वो कहता है कि मैं कॉटन के कपड़े रखता हूँ, एंड वंस अगेन गेट आउट कार्डिगन्स एंड वॉर्म सॉक्स। तो वो बताता है कि जैसे मार्च में कभी भी एकदम से ठंड हो जाती है, ये ओले वाली बारिश, ओले ओलों की वजह से, हेल की वजह से, तो वो कहता है इस वजह से वापस मुझे कार्डिगन्स और वॉर्म सॉक्स अपनी निकालनी पड़ती है, आपको भी पता है एकदम से ठंड हो जाती है ना। तो व्हाट दे से अबाउट मे इन इंग्लैंड कैन बी सेड ऑफ मार्च इन इंडिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मे का मौसम होता है ना, मे का जो मंथ होता है, मई का जो महीना होता है इंग्लैंड में, वैसा सा ही ऑलमोस्ट मार्च का महीना होता है इंडिया में। Never cast a cloud till March be out. तो यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि कभी भी, अ कास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है, थ्रो अवे, क्या होता है, थ्रो अवे, और क्लाउड का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। तो वो कहता है कि कभी भी कास्ट अ क्लाउड, मतलब एक भी अपना जो कपड़े हैं, कपड़ों, एक भी कपड़ा अपना आपको थ्रो अवे, मतलब हटाना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए,
जब तक मार्च ना चला जाए। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अपने कपड़े तब तक मत हटाओ सर्दियों के जब तक मार्च ना चला जाए, क्योंकि मार्च का महीना किसी को नहीं पता कि वो कैसा होगा, या तो गर्मी भी हो सकती है उसमें, ठंड भी हो सकती है। ठीक है, द सन ऑल्सो कॉन्टिन्यूज टू बिहेव इरेटिकली। तो इरेटिकली का मतलब होता है नॉट फॉलोइंग एनी रेगुलर प्लान। तो वो कहता है कि जो सन है, जो सूरज है, वो कहता है कि वो भी रेगुलर नहीं है। मतलब जो उसका टाइम है आने का, जो उसका समय है, वो चीज़ उसकी भी रेगुलर नहीं है, वो भी अलग अलग तरह से कर रहा है। इट कम्स अप अर्लियर बाय मोर मिनट्स देन इट गोज डाउन इन द इवनिंग्स। तो वो कहता है कि वो जल्दी आ जाता है, कुछ समय जल्दी आ जाता है सुबह के टाइम, और रात इवनिंग के टाइम में देर से जाता है, क्योंकि आपको पता है जब मार्च का मंथ आता है तो दिन लंबे हो जाते हैं, है ना, और रातें छोटी हो जाती हैं, अंधेरा देरी से होता है। तो ह्यूमंस आर नॉट ओनली वंस टू बी फूल्ड बाय द वेदर। तो वो कहते हैं कि सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे नहीं है जो सिर्फ जो वेदर से फूल्ड, मतलब वेदर से परेशान है, एक तरीके से वेदर ने उसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मौसम ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इंसेक्ट से टू बी एंडोर्ड विद। तो क्या कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स है वो भी एक तरीके से, वो भी क्या कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स है ना, उनको भी एक तरीके से एक्स्ट्रा सेंस है उनमें भी फॉरकास्टिंग द वेदर। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर एक सेंस होता है कि वो वेदर पता लगा लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कब गर्मी आने वाली है, कब सर्दी आने वाली है ना। सफ़र हैवी लॉसेस। तो हम लोगों में, हम ह्यूमंस के अंदर ये सेंस नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमें बस हैबिट है कि हाँ इन मंथ में गर्मी होती है, इन मंथ में सर्दी होती है ना। लेकिन जो इंसेक्ट्स है वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, उनको सेंस हो जाता है कि अब मौसम चेंज होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी उनको बड़ा नुकसान होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि जो इंसेक्ट्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको क्या नुकसान होता है। मॉस्किटोज फ्लाइज एंड मॉथ्स विच कम आउट ऑफ हाइडिंग टू पेस्टर ह्यूमंस। अब जो मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, और मॉस्किटो जो मच्छर, ये सब अपनी हाइडिंग, मतलब जहाँ जहाँ पे छुपे हुए होते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम में इतने नहीं होते, ठीक है, तो ये लोग जहाँ जहाँ पे भी छुपे हुए होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं ह्यूमंस को पेस्टर करने के लिए। पेस्टर का मतलब होता है उन्हें परेशान करने के लिए। सडनली फाइंड द वेदर टर्न इंक्लीमेंट, और एकदम से वो देखते हैं कि जो वेदर है वो चेंज हो गया है ना। इंक्लीमेंट का मीनिंग होता है नॉट प्लीजेंट, कोल्ड हो गया, एकदम से कोल्ड हो गया, वेट हो गया, जो इंसेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड आर फ्रोजन टू डेथ, और उनसे क्या होता है उसमें जम के, उस ठंड की वजह से कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इन माई डायरी आई रिकॉर्ड द फर्स्ट टाइम आई हेयर क्रिकेट्स चिर्प। तो वो कहता है कि अपनी डायरी में मैंने फर्स्ट टाइम ये लिखा क्रिकेट्स की चिर्पिंग। ठीक है, क्रिकेट्स एक इंसेक्ट, क्रिकेट एक इंसेक्ट को कहते हैं, तो उसकी चिर्पिंग, उसकी जो आवाज़ होती है टिक टिक की आवाज़ होती है उसकी, दिस इज़ यूजली इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। और कब का है ये, सेकेंड वीक, मतलब मार्च के दूसरे हफ्ते का टाइम बता रहा है वो। प्रोबेबली समवट अर्लियर इन माई अपार्टमेंट देन इन अदर होम्स एज आई हैव अ लॉक फायर बर्निंग एवरी विंटर नाइट। तो वो कहता है कि शायद मेरे घर में ये आवाज़, ये जो क्रिकेट की जो ये आवाज़ होती है, ये कीड़ा है, ठीक है, क्रिकेट। तो वो कहता है कि ये जो क्रिकेट की आवाज़ है ना, ये मेरे अपार्टमेंट में, मतलब मेरे घर में पहले सुनने को मिलती है, बाकियों के घर में थोड़ी देर में सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो ऑब्जर्वर है, उसके घर के अंदर लॉग्स लगे होते हैं, फायर लॉग्स होते हैं, मतलब उसके घर में आग जल रही होती है। हाथ जो लोग अपने घर को वार्म रखने के लिए आग जलाते हैं घर में, वो तो वो लग रही होती है, तो उस वजह से उसको जल्दी सुनने को मिलती है इसकी आवाज़। तो अब इसका रीज़न क्या है, अ क्रिकेट स्टिर्प कैन बी अ रिलायबल सब्स्टिट्यूट फॉर अ थर्मामीटर। तो वो कहता है कि जो क्रिकेट की जो चिर्प है ना, जो क्रिकेट की आवाज़ है, वो एक तरीके से थर्मामीटर का काम करती है। कैसे? द हॉटर इट इज़ द फास्टर द क्रिकेट चिर्प। तो जितनी गर्मी होगी ना, उतनी तेज़ क्रिकेट चिर्प करेगा, उतनी तेज़ क्रिकेट
आवाज़ निकालेगा, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बिलीव नहीं हुआ ना, अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं हुआ, ट्राई द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, वो कहता है तो ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। तो क्या एक्सपेरिमेंट बताता है वो, काउंट द चिर्प, काउंट द नंबर ऑफ चिर्प पर मिनट। तो हर मिनट में ना उसकी चिर्प, उसकी जो आवाज़ वो जो निकालता है क्रिकेट, उसकी आवाज़ को गिनो कि वो एक मिनट में कितनी बार आवाज़ निकाल रहा है, उसको डिवाइड कर दो 4 से और उसमें 40 प्लस कर दो, तो द टोटल विल गिव यू द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन फ़ारेनहाइट। तो वो कहता है तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर होगा आपका, वही आंसर आपके रूम का टेम्परेचर होगा, कि मतलब फ़ारेनहाइट में आपके रूम का भी जितना तापमान है ना वो बता देगा वो। तो बता रहा है कि कैसे एक थर्मामीटर का काम करता है क्रिकेट की ये चिरपिंग, क्रिकेट की ये आवाज़। द वेगरीज, वेगरीज का मीनिंग क्या होता है, चेंजेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, वो चेंजेस जो बड़े मुश्किल हैं पहले से ही बताना, ठीक है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि पहले से ही पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो द वेगरीज ऑफ द वेदर मेक होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स अ चांसी अफेयर। तो वो कहता है कि वेगरीज के मतलब अनप्रिडिक्टेबल है वेदर, है ना, पहले से हम नहीं बता सकते कि वेदर कैसा होने वाला है, मौसम कैसा होने वाला है। तो वो होली को क्या बना देता है, एक चांसी अफेयर बना देता है। चांसी का मतलब होता है एक अनसर्टेन, के होली भी अलग अलग होती है, आपने देखा होगा, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को ये बात डेफिनेटली पता होगी कि होली कैसी होती है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है होली पे, कभी कभार बड़ी ठंड होती है, मतलब होली के एक दिन पहले तो हम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, और होली तो ऑफकोर्स ठंडे पानी से ही खेली जाती है, तो होली भी बड़ा अलग 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 सी बनती है, कभी ठंडा ठंडा मौसम होता है, कभी गर्म वाला मौसम होता है, कभी कभार तो होली वाले दिन ही बारिश हो जाती है ना। तो इट यूजली फॉल्स सम टाइम बिटवीन द लेटर पार्ट ऑफ फेब्रवरी, तो जो होली है वो कब आती है, या तो फेब्रवरी के एंड में, लेटर का मतलब होता है लास्ट में, फेब्रवरी महीने के एंड में आएगी, एंड द एंड ऑफ मार्च, या फिर मार्च के एंड में आएगी, है ना। सम ईयर्स ओनली द यंग आर आउट विद देयर लॉन्ग ट्यूब्स, तो कुछ साल तो जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी लॉन्ग ट्यूब सिरिंज, लॉन्ग ट्यूब सिरिंज किसे कहेंगे, पिचकारी जिससे पानी फेंकते हैं लोगों पे, उसके साथ आते हैं, बकेट्स बाल्टियों के साथ आते हैं जिसके अंदर कलर भरे हुए होते हैं, रेड पाउडर टू फाइट मॉक बैटल्स, और रेड पाउडर मतलब गुलाल, जो वो रंग लगाते हैं, पाउडर जो होता है वो जो लगाते हैं। तो वो कहता है के हाथों में मतलब रंग वगैरह लेकर आएंगे और चिल्लाते हैं वो, येलिंग का मतलब वो चिल्लाते हैं होली है ऐसे बोलते हैं। अदर ईयर्स और बाकी के साल इट इज़ वॉर्म, और बाकी के साल गर्म होता है इतना, इनफ फॉर द मिडल एज, के मतलब कुछ साल तो ऐसी अच्छे से होली होती है कि थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड होती है ना, और कुछ साल क्या होता है, कुछ साल इतनी गर्मी होती है कि जो मिडल एज लोग हैं, मतलब जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, 20 से 40 साल के बीच में है, उन लोगों के लिए तो सही है वो मौसम। एंड द ओल्ड टू रिस्क बीइंग डाउज्ड, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है भीगने का, मतलब डाउज्ड का मतलब क्या होता है, भीगना, तो उनके लिए थोड़ा रिस्क हो जाता है ना। स्प्लैश्ड और ड्रेंच्ड विद वाटर, डाउज्ड का मीनिंग होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि मिडल एज लोगों को तो ये मौसम में उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, है ना, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उनकी शायद इससे तबीयत ख़राब हो सकती है पानी गिरने की वजह से। आगे है, बाय मिड मार्च द मलबरी ट्री शहतूत इन हिंदी, तो मार्च महीने के मतलब मिड में लगभग 10 तारीख से 20 तारीख 20-25 ऐसे, तो मार्च महीने के बीच के दिनों में शहतूत इन हिंदी, जो शहतूत का पेड़ आपने देखा होगा बहुत फेमस है, काफ़ी लोग इसका फ्रूट शहतूत को खाना पसंद करते हैं, तो उसको इंग्लिश में मलबरी कहते हैं, इन हिंदी मोरस अल्बा इन लैटिन फॉर द वाइट फ्रूटेड वेराइटी हैज़ बोथ फ्लावर्स एंड लीव्स, तो इस महीने में इसमें फ्लावर्स और लीव्स आ जाती हैं। For a few days its caterpillar like fruits are free to all, और कुछ ही दिनों में जो शहतूत का जो फ्रूट है
कैसा लगता है वो देखने में, कैटरपिलर जैसा लगता है ना, रेड कलर, रेड भी नहीं बिल्कुल डार्क मरून कलर का होता है, कुछ कुछ तो बिल्कुल पर्पलिश कलर के होते हैं, ब्लैक पर्पलिश कलर के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से राइप्ड होते हैं, है ना। तो वो बिल्कुल कैटरपिलर जैसा लगता है और वो बिल्कुल रेडी हो जाता है, मतलब ग्रो होते हैं इस टाइम में। तो अभी सारे प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। बहुनियाज, बहुनियाज किसे कहेंगे, ये भी एक फ्लावर है, आर स्टिल इन फ्लावर, वो अभी भी फ्लावर है। दो नाउ विद लीव्स अराउंड देम, और उसके चारों ओर क्या है, लीव्स है। मैंगो ट्रीज आर कवर्ड विद अ पाउडरी क्लस्टर ऑफ ब्लॉसम्स, और जो मैंगो का पेड़ है, आम का जो पेड़ है, वो चारों ओर किससे कवर हो रखा है, ब्लॉसम से, छोटे 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 फूलों से कवर हो रखा है, ठीक है। इन मार्च बोथ बर्थ एंड डेथ आर मच इन एविडेंस, तो मतलब वो बता रहे कि मार्च के महीने में ना बर्थ भी होता है, जन्म भी होता है और डेथ भी होती है, प्लांट से रिलेटेड ये बता रहे हैं। कैसे, ऑन द वन हैंड यू कैन सी द ग्रेप वाइन एंड मधुमलाती क्विस्कोलस, मीनिंग हुवर्ट, वो कहते हैं कि मार्च के महीने में एक तरफ तो आप देखोगे ग्रेप वाइन, मधुमलाती, जिसको इंडिका कहते हैं, नेम गिवन इट बाय अ डच बोटानिस्ट बिकॉज इट्स इसेंट्रिक मैनर ऑफ ग्रोथ। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, जो बिल्कुल अलग तरीके की ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। इसकी ग्रोथ की वजह से इसको एक डच बोटानिस्ट ने नाम दिया था, ठीक है, इंडिका, ओके। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, एड न्यू लीव्स एवरी डे, इनमें तो हर दिन नई पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इसी सेम महीने में नीम, महुआज, जामुन, पीपल, बैनियंस आर शेडिंग देयर फॉलिएज, और इसी महीने में जो बाकी के जितने भी पेड़ों के नाम लिए ना, ये सब अपनी फॉलिएज, फॉलिएज का मतलब होता है अपनी पत्तियाँ गिरा रहे होते हैं। तो एक तरफ तो जन्म हो रहा है, एक तरफ तो जो ग्रेप वाइन है, मधुमलाती है, इनमें तो न्यू लीव्स उग रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो नीम्स, महुआ, जामुन, पीपल, बैनियन ट्री है, इन सब की लीव्स गिर रही हैं, इनकी पत्तियाँ गिर रही हैं, तो एक तरफ डेथ हो रही है ना एक तरह से। सो ऑफ द डाइंग एंड द रिबॉर्न, तो मरना और फिर से रिबॉर्न, फिर से जन्म लेना, आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ है वो फिर से जन्म लेते हैं, रिबॉर्न होते हैं। कैसे, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, झड़ने के बाद जब मौसम आता है जिसमें इनकी लीव्स ग्रो होती हैं, तो वापस ये जो ट्रीज होते हैं ये वापस ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये वापस रिबॉर्न भी हो जाते हैं। तो पीपल्स एंड बैनियंस हैव द मोस्ट डेलिकेट ऑफ न्यू लीव्स, तो जब वो रिबॉर्न हुई, जब वो फिर से ग्रो होते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, पेल, हल्की हल्की लाइट पिंकिश होती हैं, सिल्की सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत ब्यूटीफुली शेप्ड होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और बिल्कुल न्यू न्यू ग्रो होती है, तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना उसकी तरह ही, वो भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। इफ़ यू वॉन्ट एन ऑफरिंग फ्रॉम नेचर एज योर बुक मार्क, यू कैन नॉट डू बेटर देन प्रेस देयर लीव्स इन योर एल्बम, तो अगर आप ऑफरिंग चाहते हैं, मतलब एक नेचर से गिफ्ट चाहते हैं, ऑल दो जो नेचर है, जो हमारा आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट है, वो हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप एक और चीज़ चाहते हैं नेचर से, तो जो लीव्स होती है ना, वो एक बुक मार्क की तरह भी काम कर सकता है। बुक मार्क मतलब आप अपनी डायरी के बीच में एक लीव को रख दो, ठीक है, तो उसको आप, जैसे कि आपको जहाँ से काम शुरू करना है, तो आप उसको उसके बीच में रख सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको डायरी खोलनी होगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी थी रीडिंग की, या फिर कुछ भी आप लिख रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं, बुकमार्क। तो आप लीव्स का यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे, जो गिरी हुई लीव्स है, ठीक है, उसका यूज़ करना है, हमें पेड़ से तोड़ के लीव्स को यूज़ नहीं करना। सो मोस्ट बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट इन मार्च, तो काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट मार्च के मंथ में शुरू करती हैं। अब यहाँ पे यहाँ से बर्ड्स के बारे में है, वल्चर्स और काइट्स, ये भी बर्ड है, विच स्टार्टेड ऑफ अर्लियर, जिन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया था अपना घर बनाना, आर बिजी मेकिंग नेस्ट, वो भी नेस्ट बनाने में बिजी है। फॉर सम ईयर्स आई हैव वॉच्ड अ कपल ऑफ वाइट बैक्ड वल्चर्स, ये भी वल्चर्स का एक टाइप है, वाइट बैक्ड वल्चर्स। तो कहते हैं कि काफ़ी साल से मैंने देखा
कि जो वाइट बैक्ड वल्चर्स हैं और उसको क्या लगता था, आई प्रज्यूम दे आर द सेम एवरीवेयर, तो वो ये मान के चलता था कि वाइट बैक्ड वल्चर्स हर साल वो ही सेम वल्चर्स आती थी. कहाँ आती थी? चूज द सेम क्लेफ्ट इन द ब्रांचेस ऑफ द अलहंतस. अलहंतस एक पेड़ है, उस पेड़ की ब्रांच पे, क्लेफ्ट का मतलब होता है एक जगह बना लेना, तो उस पेड़ की ब्रांच पे वो सेम वल्चर्स आती थी हर साल और अपना नेस्ट बनाती थी. तो वो ये मान के चलता था कि हर साल वही सेम वल्चर्स आती हैं, वही वल्चर्स आती हैं और वो उसी जगह पे अपना घर बनाती हैं. ओवर लुकिंग द गोल्फ क्लब स्विमिंग पूल, और किसके ऊपर से होते हुए जाता है वो? अलहंतस का पेड़ गोल्फ क्लब स्विमिंग पूल के ऊपर से, ठीक है, अलहंतस का पेड़ है ये. तो अब इस पेड़ के बारे में जान लेते हैं. दिस ट्री इज कॉमन इन दिल्ली. ये ट्री काफ़ी कॉमन है दिल्ली में, आपको जगह जगह मिल जाएगा ये पेड़. अब मैं बताती हूँ कैसे. इट्स लैटिन नेम इज अलहंतस, जिसे क्या कहा जाता है, ट्री ऑफ हेवन, एक्लेसा, जिसका मतलब क्या है, ये बहुत ही लंबा होता है. आपने देखा होगा जो वल्चर्स होते हैं ना, वो अपना घर बहुत ऊंचे पेड़ पे बनाते हैं. अब आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई होगी, ऊंचा सा पेड़ होता है जिसमें ज़्यादा लीव्स नहीं होती, तो ऐसे पेड़ पे बिल्कुल ऊंचाई पे उनका नेस्ट होता है. तो बहुत लंबे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं. इज समड अप बाय इट्स हिंदी नेम महावृक्ष, और हिंदी में इसका नाम क्या है, महावृक्ष, द ग्रेट ट्री. There are quite few specimens in the golf club along many roads. तो काफ़ी सारी जगहों पे, मतलब गोल्फ क्लब के आसपास भी मिल जाएंगे ये, ठीक है, स्टोरी में वो बता रहा है. रोड्स के आसपास भी आपको देखने को मिलेंगे. इट्स फ्लावर, इसके जो फूल हैं, विच कम आउट लेट इन फेबररी, इसके फ्लावर्स कब आते हैं, फेबररी लास्ट में आते हैं. आर हार्डली विजिबल, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं. और उसके फ्रूट्स विच ड्रॉप्स बाय जून, और जून के महीने में ना इसके बहुत छोटे छोटे से फ्रूट नीचे गिरते हैं. बट कैन नॉट बी ईटन, लेकिन उसको आप खा नहीं सकते, वो खाने लायक नहीं होते. बस वो आपके सर पर, कभी आप वॉक पे जाओ पार्क में या फिर रोड पे आप वॉकिंग पे जाओगे तो वो गिरेंगे ज़रूर आपके सर पे. सो हाउएवर इट्स सॉफ्ट वुड इज यूज फॉर मेकिंग पैकिंग केसेज एंड मैच स्टिक्स, लेकिन ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है, उसका यूज़ किया जाता है पैकिंग केसेस को बनाने के लिए, मतलब डिब्बे को बनाने के लिए, मैच स्टिक को बनाने के लिए, माचिस को बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर द डे. सो ये पार्ट वन था इस स्टोरी का. अभी ये स्टोरी अभी बाकी है और भी, तो इसका पार्ट टू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पार्ट टू में ये पूरी स्टोरी कम्प्लीट हो जाएगी. एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ साथ भी शेयर कीजिए, एंड लाइक भी कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.